अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, एमएस ऑफिस 2 EG ट्रेनिंग सेशन में खुश आमदीद। लास्ट के वीडियो ट्यूटोरियल में हमने एमएस ऑफिस को इंस्टॉल करना सीखा था, क्या एमएस ऑफिस हम इंस्टॉल किस तरह कर सकते हैं, डाउनलोड और इंस्टॉल किस तरह कर सकते हैं और अपने पीसी में। उसके अलावा हमने एमएस ऑफिस का इंट्रोडक्शन जाना था कि एमएस ऑफिस होता क्या है और उसके फीचर्स के बारे में पढ़ा था। मैंने आपको लास्ट की वीडियो में बताया था कि एक एक करके हम इसके फीचर्स को पढ़ेंगे। हर फीचर्स की जो है वो बहुत सारी वीडियोस बनेंगी। जैसे कि पहला फीचर्स मैंने बताया था कि हम एमएस वर्ड पढ़ेंगे, एमएस वर्ड के भी बहुत सारे पार्ट बनेंगे। उसका बनने का मकसद ये है कि ताकि मैं थोड़ा थोड़ा आप लोगों को लेके चलूँगा, ताकि आप लोगों को जो है हर वीडियो में समझ आता रहे। आप इंशाल्लाह तमाम वीडियोज़ को देखें तो आपको जो है चीज़ें बिल्कुल समझ आती रहेंगी और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी किसी को भी। एम एस वर्ड का हम लोग थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जान लेते हैं कि एम एस वर्ड होता क्या है। वर्ड इज वर्ड, एम एस वर्ड जो है वो एम एस वर्ड इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन है, आप अपने पास लिख सकते हैं। एम एस वर्ड इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर विच इज यूज टू क्रिएट लेटर, सीवी, टेम्पलेट एंड अदर टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स या दोस्तों, ये इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन है जो आप अपने पास लिख सकते हैं। इससे जो है वो आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा कि एम एस वर्ड जो है वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से मुराद जो चीज़ हम अपने पीसी में इंस्टॉल कर रहे होते हैं वो सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम कोई प्लेयर इंस्टॉल कर रहे हैं, कोई गेम इंस्टॉल कर रहे हैं, तमाम जो है वो एप्लीकेशन होती है। इसी तरह एम एस वर्ड जो है वो भी एक एप्लीकेशन है, सही है। और इसके अंदर जो है हम इसके ज़रिए हम क्या क्या कर सकते हैं, इसके ज़रिए हम जो है वो क्रिएट कर सकते हैं लेटर, सीवी जो जॉब के वगैरह जॉब के हवाले से काम में आती है, टेम्पलेट कर सकते हैं डिज़ाइन जो ब्राउचर्स वगैरह होते हैं जो ऐड वगैरह के लिए दिए जाते हैं। उसके अलावा जो है वो अदर टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट्स ऑफिस में आप जो है वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब हम एम एस वर्ड को ओपन करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का आइकन मेरे पास जो है वो डेस्कटॉप पे आ रहा है, यहाँ से आप डबल क्लिक करके इसको ओपन कर सकते हैं। मैंने इसको ओपन किया। इसके अलावा जो है इसको आप जो है यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं, विंडो में जाकर मेरे पास वर्ड आ रहा है यहाँ पर, यहाँ से भी मैं इसको ओपन कर सकता हूँ, कहीं से भी आप इसको ओपन कर सकते हैं। और अब इसके अंदर जो है ये स्क्रीन आपके सामने एम एस वर्ड की जो खुल गई है, सामने सबसे पहले जो यहाँ पे वाइड स्क्रीन आपको नज़र आ रही है, यहाँ पे हम क्या कर रहे होते हैं, इसका डिज़ाइन वगैरह कर रहे होते हैं। उसके अलावा जो है टाइपिंग वगैरह हम यहाँ पर कर रहे होते हैं, ठीक है दोस्तों। मैं इसका थोड़ा सा ओवरव्यू आपको दे दूँ कि इसके ऑप्शन जो है वो क्या क्या है। सबसे ऊपर आपको एक जहाँ मेरा माउस का कर्सर है यहाँ पे एक बटन नज़र आ रहा होगा, ये ऑफिस बटन कहलाता है। इसके ज़रिए आप यहाँ से जो है वो एक न्यू फाइल भी क्रिएट कर सकते हैं, अपनी पुरानी फाइल्स ओपन पुरानी फाइल्स को जो है वो ओपन करवा सकते हैं। उसके अलावा जो है जिस फाइल पे आप काम कर रहे हो उसको सेव करवा सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपको पढ़ाऊँगा, मैं सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ। प्रिंट कर सकते हैं ये सारी चीज़ें। उसके बराबर में बटन आ रहा है, ये शॉर्टकट्स हैं, यहाँ पे आप शॉर्टकट्स बना भी सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर आकर मोर कमांड्स के ऑप्शन में जाकर यहाँ से जैसे मैं यहाँ पे कोई शॉर्टकट ऐड करवाना चाहूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये क्या हो रहा है, डायरेक्टली इस फाइल को सेव कर रहा है। तो ये शॉर्टकट है, मुझे यहाँ पर जाकर इस ऑप्शन को इतने अंदर जाकर ओके नहीं करना पड़ रहा। ये दोनों ऑप्शन एक ही है, यहाँ से आप सेव कर सकते हैं और यहाँ से भी सेव कर सकते हैं। तो शॉर्टकट बनाने का तरीका क्या है, आप मोर कमांड्स में जाकर यहाँ से मोर कमांड्स में जाकर और कोई भी जो है वो ओपन का शॉर्टकट मैं यहाँ पर बनाना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, ऐड करूँगा और ओके कर दूँगा। देखिए यहाँ पर ओपन का शॉर्टकट आ गया, मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ से मैं डायरेक्टली फाइल को ओपन कर सकता हूँ और यहाँ से भी मैं ओपन कर सकता हूँ। तो दोनों का मकसद एक ही है। तो अब ये शॉर्टकट्स कहलाते हैं, ये ऑफिस बटन है हमारा। उसके बराबर में नीचे हमारे पास जो आ रहा है यहाँ पे जो होम लिखा हुआ आ रहा है, होम क्या है, टैब है, सही है। इसी तरह जो है इंसर्ट टैब है, पेज लेआउट, ये जितने भी आ रहे हैं सब अलग अलग, जहाँ पे मेरे माउस का कर्सर जा रहा है ये सारे क्या है, टैब है। सबके अंदर अलग अलग ऑप्शन मौजूद है, जो जो हमारी ज़रूरत के होंगे हम उनको सबको क्या करेंगे, पढ़ेंगे एक एक करके। और हर टैब के अंदर जो है वो डिफरेंट पैनल मौजूद है यहाँ पर। जैसे कि पहला पैनल मौजूद है क्लिप बोर्ड का,
इसी तरह यहाँ पे जैसे ये फॉन्ट का पैनल मौजूद है जहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, जहाँ पे मेरे माउस का कर्सर है, देखिए यहाँ पे ये क्या है, ये सारे पैनल्स कहलाते हैं, पैराग्राफ, स्टाइल्स। ठीक है दोस्तों, ये सारे पैनल्स हैं। इसी तरह इसमें अलग पैनल सारे, तो एक एक करके जो है आप इंशाल्लाह जो है सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। और यहाँ पे ये वाइड स्क्रीन पर हम यहाँ पे टाइप कर रहे हैं, साइड में यहाँ पे एक स्क्रॉल बार आ रहा है, यहाँ से आप अपने पेज को स्क्रॉल कर सकते हैं, जहाँ पे मेरा माउस का कर्सर है, स्क्रॉल कर सकते हैं। उसके अलावा जो है सबसे नीचे यहाँ पे ये जूम का बटन आ रहा है, यहाँ से आप इसको डॉक्यूमेंट्स को अपने जूम आउट कर सकते हैं, जूम इन कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन आ रहा है क्लिपबोर्ड का, तो टाइप करने के लिए आप अपने कीबोर्ड में कुछ भी टाइप कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे अभी यहाँ पे लिख रहा हूँ, दिस इज माई फर्स्ट क्लास। ठीक है दोस्तों, ये मैंने यहाँ पे टेक्स्ट लिखा। अब मैं क्या चाह रहा हूँ, यहाँ पे जैसे कि मेरे पास पैनल आ रहा है, यहाँ से मैं जो है इसके अंदर इस टेक्स्ट को, जैसे कि यहाँ पे पेज का ऑप्शन है, पेज का ऑप्शन जो कंप्यूटर अगर आप लोग यूज़ कर रहे हो तो आपको पता है पेज का ऑप्शन किस लिए यूज़ होता है। किसी फाइल को हम कॉपी करते हैं तो उसको पेज करने के लिए पेज का ऑप्शन मौजूद होता है। और जिनको नहीं पता तो कोई बात नहीं, मैं उनको बता दूँ कि यहाँ से आप क्या करें। सबसे पहले इसके अंदर ये बात हमेशा याद रखें कि कोई भी चीज़ आपको इस पर, किसी भी चीज़ को इस पर अप्लाई करना हो तो उस चीज़ को सिलेक्ट करना लाजमी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे इस टेक्स्ट पर कोई चीज़ अप्लाई करनी है तो मुझे इसको सिलेक्ट करना लाजमी है। मैंने इसको सिलेक्ट करा, सिलेक्ट जैसे ही करा तो ये दो ऑप्शन जो है वो अपेयर हुआ, यहाँ पे भी जैसे अपेयर नहीं है तो सिलेक्ट कर लिया आपने। उसके बाद आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, कॉपी कर लिया मैंने, देन एंटर करने के बाद आपका माउस का जो ऑब्लिक है वो नीचे मूव हो रहा है। अब आप यहाँ पे पेस्ट पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, इसके डुप्लीकेट को ये कर देगा, पेस्ट कर देगा। ठीक है, इसी तरह जो है यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन मौजूद है कट का। ठीक है, कट के लिए भी मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, यहाँ से सिलेक्ट किया तो जैसे ही मैंने सेलेक्ट किया तो देखें वो जो है वो जो लिखा हुआ था वो यहाँ से क्या हो गया, हाइड हो गया। तो कट का ऑप्शन जो क्या करता है वो मूव करता है, वो उसने उसको क्या कर लिया, कॉपी कर लिया। अब यहाँ पे आके आप पेस्ट करेंगे तो वो ऑप्शन इसके अंदर जहाँ पे आपका माउस का ऑब्लिक होगा वहाँ पे वो ऑप्शन दे देगा। तो इस तरह से भी आप कट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, मगर हम यहाँ से नहीं करेंगे ये काम, हम करेंगे शॉर्टकट की से। तो इसकी मैं शॉर्टकट की भी आप लोगों को लिखवाता हूँ अभी कि इसकी शॉर्टकट की क्या क्या होती है। सही है, उससे पहले हम यहाँ पर आ जाते हैं फॉन्ट्स। फॉन्ट्स में हम जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, दिस इज़ माई फर्स्ट क्लास। ठीक है, दिस इज़ माई फर्स्ट क्लास। अब मैं चाह रहा हूँ ये जो मैंने लिखा है यहाँ पर सेंटेंस, इसकी मैं राइटिंग स्टाइल को चेंज करूँ, या इसका जो राइटिंग जो साइज़ है वो बहुत छोटा है, वो मैं इसको फॉन्ट साइज जो है वो बहुत छोटा है, वो उसको मैं क्या करूँ, बड़ा करूँ। तो यहाँ से आप इसको क्या करें, सिलेक्ट करें। सबसे पहले मैंने इसको यहाँ पे सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से आप जो है वो इसका साइज़ जो है वो कैपिटल कर सकते हैं, जैसे कि आ रहा है। अभी मैं यहाँ पे क्लिक नहीं कर रहा, सिर्फ माउस लेके जा रहा हूँ और यहाँ पे ये कैपिटल हो रहा है, जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया 28। ठीक है, अब यहाँ से ये देखें यहाँ पे इसका साइज़ जो है वो कैपिटल हो चुका है। और उसके बाद अब इसका मैं राइटिंग स्टाइल चेंज करना चाह रहा हूँ, फॉन्ट स्टाइल, तो आप इसको दोबारा सेलेक्ट करें। मैंने आपको बताया कि इसको सेलेक्ट करना लाजमी है। सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से इसकी राइटिंग स्टाइल जो है वो चेंज कर सकते हैं, कोई सा भी राइटिंग स्टाइल दे सकते हैं। यहाँ पे देखें ये साइड में जो है वो स्क्रॉल आ रहा है, यहाँ से मूव होकर आप जो है कोई सा भी राइटिंग स्टाइल इसके अंदर दे सकते हैं। ठीक है, राइटिंग स्टाइल दे दिया मैंने इसको, राइटिंग स्टाइल यहाँ से हम लेते हैं और फॉन्ट का जो साइज़ है वो यहाँ से हम बड़ा करते हैं, छोटा करते हैं। उसके अलावा जो है वो आप यहाँ से भी फॉन्ट का साइज़ डिक्रीज और इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अच्छा मैं इसका राइटिंग स्टाइल जो है वो अभी चेंज कर रहा हूँ एक चीज़ समझाने के लिए। जैसे मैंने यहाँ पे इसका राइटिंग स्टाइल क्या कर दिया, सेंचुरी कर दिया। अब यहाँ पे बोल्ड का ऑप्शन मौजूद है, बोल्ड का ऑप्शन करता है क्या है कि आप इसको सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करने के बाद इस पर आप जब ये ऑप्शन अप्लाई करेंगे तो ये टेक्स्ट थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, जैसे कि स्ट्रॉन्ग हो गया। इसमें ज़्यादा फर्क पता नहीं लगता, अभी मैं इसको लाइट करूँगा तो देखें लाइट हो गया। तो ये बोल्ड थोड़ा सा क्या कर देता है, टेक्स्ट को स्ट्रॉन्ग कर देता है। इसी तरह इटैलिक का ऑप्शन मौजूद है, इटैलिक का ऑप्शन क्या करेगा, इसको थोड़ा सा मतलब एक स्टाइल दे देगा अलग इस तरह से। इसी तरह हमारे पास एक अंडरलाइन का ऑप्शन मौजूद है, ये हमारे पास क्या कर देगा, हमारे जो सेंटेंस है उसको एक अंडरलाइन दे देगा। देखा होगा आपने हेडिंग वगैरह में इस तरह की अंडरलाइन आ रही होती है, या मेन हेडिंग होती है जो उसमें इस तरह की अंडरलाइंस वगैरह जो है वो आ रही होती है, तो इस तरह से आप इसमें अंडरलाइंस वगैरह दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी चीज़ें जो है वो आप अपने जो आपकी ज़रूरत हो, मतलब जहाँ पे जिस डॉक्यूमेंट में ज़रूरत हो उस ऑप्शन को आप
अप्लाई कर सकते हैं। मैं सारे ऑप्शन आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे, जहाँ पे आपको इसकी नीड हो आप वहाँ पे उसको क्या इस ऑप्शन को क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, उसके बराबर में एक ऑप्शन हमारे पास आ रहा है स्ट्राइक थ्रू का ऑप्शन। ये ऑप्शन का यूज होता है जब हमारा जो है वो हम कोई एक ऐड बना रहे हो और मोबाइल का ऐड हो, फॉर एग्जाम्पल उसमें मोबाइल के रेट दे रहे हो 10,000 और उसमें हम डिस्काउंट ऑफर दे रहे हो। हमने बोला कि वो 10,000 का मोबाइल था और अब वो हो गया है 7,500 रुपीज का, ठीक है दोस्तों। तो लेकिन अभी ये इसमें पता नहीं लग रहा कि जो है वो इसमें कोई डिस्काउंट, जैसे कि सैमसंग मोबाइल है मेरे पास, सैमसंग मोबाइल है S4, ठीक है S4 है, 10,000 का डिस्काउंट ऑफर में हम आपको दे रहे हैं 750 का। तो अब इसमें डिस्काउंट ऑफर पता कैसे लगेगी, जब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ 10 को और इस पर स्ट्राइक थ्रू का ऑप्शन अप्लाई करता हूँ। अब देखिए यहाँ पे जो है वो इसमें पता लग रहा है कि हाँ जी एक चीज़ जो है वो इतने की थी और ये प्राइस इसके लेस होने के बाद, डिस्काउंट होने के बाद ये ऑप्शन, ये प्राइस इसके जो है अवेलेबल है। तो इस तरह से स्ट्राइक थ्रू का ऑप्शन आप अप्लाई कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स में, ठीक है। उसके अलावा जो है वो हमारे पास ऑप्शन आ रहे हैं यहाँ पर सब स्क्रिप्ट का। सब स्क्रिप्ट का ऑप्शन क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोगों ने केमिस्ट्री की इक्वेशंस वगैरह पढ़ी है तो उसके अंदर जो है वो इक्वेशंस के अंदर क्या होता है, ओ है, ओ का एटॉमिक मास जैसे फॉर एग्जाम्पल 16 है, तो 16 क्या आ रहा होता है, एटॉमिक मास जो होता है वो हमेशा नीचे आ रहा होता है। तो अब अभी मैं मुझे पता नहीं लग रहा है कि ओ 16 है और H2O इस तरह से लिखी भी आ रही होती है इक्वेशंस, तो ओ 16 जो है वो नीचे आ रहा होता है, इसी तरह 2 भी नीचे आ रहा होता है। तो इसको आप नीचे करने के लिए आप क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे। देखिए मैं कोई भी ऑप्शन जो है वो अप्लाई कर रहा हूँ तो उसके लिए सबसे पहले उसको क्या करूँ, सिलेक्ट करूँ। तो आप इसको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद आप क्या करेंगे इस पर सब स्क्रिप्ट का ऑप्शन अप्लाई करेंगे। जैसे ही आपने अप्लाई किया तो देखिए ओ 16 जो है वो नीचे चला गया, इसी तरह से आप 2 भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप पता लग रहा है कि ये एक इक्वेशन बन चुकी है। तो इस तरह से अगर आपको कोई नोट्स वगैरह बनाने हो मैथ के या फिर केमिस्ट्री की, आप जो पावर होती है वो क्या होती है, ऊपर होती है अलजेब्रा के अंदर, जैसे कि X2, जैसे कि हम इसको क्या करते हैं, मैं भी यहाँ पे इसको क्या कर लेता हूँ, क्लैपटीज की राइटिंग कर लेता हूँ, x x की पावर 2 माइनस y क्यूब, इस तरह से आ रही होती है। तो x की जो पावर होती है वो कहाँ होती है, ऊपर होती है। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, इस पर क्लिक करके या इस पर अप्लाई कर सकते हैं, ये जो है वो पावर बन गई है। इसी तरह से जो है वो 3 पे अप्लाई कर सकते हैं, ये पावर बन गई है, सही है। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, मैथ के नोट्स बना सकते हैं, केमिस्ट्री की इक्वेशन बना सकते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें जो है वो इस तरह से जब नीड हो तो ये सारी चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें ये ऑप्शन हटाने भी लाजमी है, अगर आप इसके बाद कुछ प्लस लिखेंगे तो ये इसके साथ आ रहे हैं, देखें। तो आप इसको क्या करें, इस पर इस ऑप्शन पर आगे वापस क्लिक कर दें, अब ये क्या हो गया, हट गया। यहाँ पर आप आगे की चीज़ आप जो है वो लिख सकते हैं इसके साथ, इस तरह से, ठीक है। इसी तरह हमारे पास एक ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर सेंटेंस के। सेंटेंस केस क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने ये सेंटेंस लिखा है, ये सेंटेंस है क्या, अभी सेंटेंस केस है। फॉर एग्जांपल जैसे कि इसका जो फर्स्ट वर्ड है ये क्या है, कैपिटल है, बाकी तमाम वर्ड जो है वो स्मॉल है। तो ये सेंटेंस केस में मैं चाह रहा हूँ कि इसके तमाम वर्ड क्या हो जाए, कैपिटल हो जाए, जैसे कि दिस का टी बड़ा है, जो एच छोटा है, आई छोटा है, ये तमाम जो है वो कैपिटल हो जाए। तो आप इसको सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आकर इसका केस क्या कर दें, चेंज कर दें, आप अपर केस कर दें, तो ये क्या हो जाएगा, तमाम वर्ड्स जो है वो कैपिटल हो चुके हैं। अगर आपको स्मॉल करने हो तमाम तो आप यहाँ पर आकर जो है लोअर केस कर दें, ठीक है। बाय डिफॉल्ट जो हुआ होता है वो सेंटेंस केस हुआ होता है जो पहले हुआ हुआ था, ठीक है। इसके अलावा और भी ऑप्शन हैं, आप यहाँ से एक एक करके अप्लाई करके देख सकते हैं इसके अंदर ऑप्शन जो मौजूद है, ठीक है। तो हमारे पास जो है इसके बराबर में एक ऑप्शन और आ रहा है, ये ऑप्शन क्या कर रहा होता है, जैसे कि हाईलाइट कर रहा होता है चीज़ को, किसी भी चीज़ को, जैसे कि बुक्स वगैरह में आपने नोट्स में देखा होगा कुछ वर्ड जो होते हैं वो हाईलाइट्स हुए होते हैं, जैसे कि मुझे इसको फर्स्ट को हाईलाइट करना है। तो आप क्या करें, फर्स्ट पहले आप यहाँ से इसको कोई सा भी हाईलाइटर सेलेक्ट कर लें, मैंने येलो कर लिया, अब आप इसको डबल क्लिक कर दें, फर्स्ट पर जाके डबल क्लिक करेंगे तो क्या होगा, फर्स्ट को हाईलाइट कर देगा। मैं S4 को हाईलाइट करना चाह रहा हूँ, तो इस तरह से हाईलाइट कर सकता हूँ चीज़ों को अपने डॉक्यूमेंट में, जो मशहूर वर्ड्स जो होते हैं हम उसको हाईलाइट इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम अगर मैं हाईलाइट मैंने कर दिया यहाँ पे, अच्छा हाईलाइट को हटाने के लिए आप क्या करेंगे, हाईलाइटर पे जाके वापसी क्लिक कर देंगे, हाईलाइटर हट गया। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं इस जो टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है ब्लैक कलर से लिखा हुआ आ रहा है, अब मैं इसका कलर भी चेंज कर सकता हूँ। इसको आप सिलेक्ट करें, यहाँ सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से इसका
कलर भी जो है वो चेंज कर सकते हैं। जैसे कि देख रहे हैं आप यहाँ पे दोस्तों, कलर इसका चेंज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से इसका कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स का। तो ये हमारा जो फोन का पैनल है तकरीबन कंप्लीट है। हाँ, एक ऑप्शन यहाँ पे रह गया है, ये जो है वो क्या है, क्लियर फॉर्मेटिंग। क्लियर फॉर्मेटिंग क्या होता है, जैसे कि आपने उसके ऊपर जितना भी काम करा है, जितने भी फॉर्मेट करी है, अब आप चाह रहे हैं कि जैसा आपने उसको फर्स्ट टाइम लिखा था ये वैसा ही हो जाए, तो आप उसको सिलेक्ट करने के बाद क्या करना है, क्लियर फॉर्मेट करना है। तो देखें, लेकिन जो यहाँ पे जो एक ऑप्शन है आपका टेक्स्ट हाईलाइटर का, ये ऑप्शन आपको यहाँ से जाके ही हटाना पड़ेगा, ये नहीं हटेगा। तो आप देख सकते हैं इस पे जो फॉर्मेटिंग थी सारी जो है वो इस पे हट चुकी है, ठीक है। तो ये हमारा फोन का जो पैनल था वो तकरीबन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। इसमें मैंने आपको तमाम ऑप्शन बता दिए हैं, इसकी आप प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करने के बाद जो है, इससे रिलेटेड प्रैक्टिस करने के बाद जो है वो नेक्स्ट वीडियो देखें। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पैराग्राफ्स के बारे में, स्टाइल्स के बारे में, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।